वेलकम बैक टू माई चैनल मैं शिल्पी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेकअप के सारे स्टेप बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से तो अगर आप लोग को शादी या फंक्शन अटेंड करना है तो ये लुक ट्राई करे तो चलिए देर किस बात की है मेकअप शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप तो मेकअप की शुरुआत होती है स्किन केयर रूटीन से और यहाँ पर मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है फेस वॉश से और उसके बाद मैंने रोज़ वाटर लिया है और उसे एक कॉटन की पैड की मदद से अपने फेस पे अप्लाई किया है उसके बाद अपने चेहरे को मॉइस्चराइज़ करने के लिए एक मॉइस्चराइज लिया है आप चाहे जो मॉइस्चराइज इस्तेमाल करते हो आप उसी का इस्तेमाल कीजिए उसके बाद मैंने प्राइमर का इस्तेमाल किया है ये फेस के ऊपर फाइन लाइंस को हल्का सा फ़ील कर देता है और ओपन स्पोर्ट्स को भी फ़ील कर देता है और आप लोगों को मेकअप के लिए एक स्मूथ बेस मिल जाता है इसे मैंने अच्छी तरह से अपने फेस पे और अपने नेक एरिया में अप्लाई कर लिया है उसके बाद मैं यहाँ पे आईब्रो फील कर रही हूँ तब तक हमारे जो प्राइमर है वो सेट हो जाएगी अच्छी तरह से और फिर मैं कंसीलर से अपने आईब्रो को डिफ़ाइन कर रही हूँ जब भी आप पार्टी या फंक्शन में मेकअप के लिए मेकअप कर रहे हो तो यह स्टेप आपके ओवरऑल लुक को निखार देता है ये देखिए और उसे एक ब्रश की हेल्प से उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूंगी नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई किया है अपने फेस और नेक एरिया में उसके बाद मैं इसे एक ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर दूंगी आप चाहे तो ब्रश की हेल्प से भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे कंसीलर थोड़े से अपने आई के ऊपर भी लगाऊंगी जिससे हमारा जो आई मेकअप है वो अच्छी तरह से खुल के आएगा और जहाँ मुझे थोड़ा डार्क सर्कल दिख रहे हैं या थोड़ा सा डार्कनेस दिख रही है वहाँ वहाँ मैं कंसीलर को अप्लाई कर लूँगी और उसके बाद इसे भी मैं अच्छी तरह से एक ब्लेंडर्स की हेल्प से ब्लेंड कर दूँगी और इसे सेट करने के लिए मैं यहाँ लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे पूरे फेस पे एक ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी ताकि जो हमारा मेकअप है जो हमारा कंसीलर और फाउंडेशन है वो सेट हो जाए अच्छी तरह से नेक्स्ट स्टेप में हम आई मेकअप करेंगे जिसके लिए मैंने आई शेडो पैलेट से एक डार्क कलर लिया है और मैंने ब्राउन कलर लिया है जिसे मैं आउट ऑफ कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ ले जा रही हूँ एक ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड करते हुए उसके बाद मैं यहाँ अपने आई शेडो से अपन अपने ड्रेस से मैचिंग करती हुई ऑरेंज सिमरी कलर लिया है और उसे मैं इनर कॉर्नर से आउट ऑफ कॉर्नर की तरफ ब्लेंड करूँगी इन दोनों कलर को अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर लिया है और दोनों कलर के मिडिल में इसे किया हलका हलका। में अप्लाई किया है बस हल्का हल्का नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे लाइनर अप्लाई किया है हल्का सा विंग शेप देते हुए इसे आपकी जो आइज हैं वो थोड़ी सी और बड़ी दिखेंगी उसके बाद मैंने यहाँ पे काजल अप्लाई किया है और उसे ब्रश की हेल्प से सेट कर लिया है फिर मैंने अपने काजल को सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट का कॉम्पैक्ट पाउडर का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे मैं अपने चिक बोन एरिया को कंट्रोल कर रही हूँ एक ब्रश की हेल्प से उसके बाद मैंने यहाँ मस्करा यूज़ किया है मैंने यहाँ कोई फेक आई का यूज़ नहीं किया है उसके बाद मैं अपने मेकअप को हल्का सा सेट कर लूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से और फिर मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ उसके बाद मैं ब्लश यूज़ करूँगी हल्का सा और अब बारी आती है लिप की तो मैंने यहाँ पे अपने लिप को आ, लिप लाइनर से शेप दिया है उसके बाद यहाँ मैंने अपने पसंद की लिपस्टिक को अप्लाई किया है और ये है मेरा फाइनल लुक आप लोग को मेरा ये लुक पसंद आया हो तो आप सब भी इसे शादी या पार्टी फंक्शन में इस लुक को ट्राई कर सकते हैं और वीडियो यूज़फुल लगा हो और पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ ही आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा मिलती है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय